राधे राधे भक्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका हार्दिक स्वागत है श्री माधवी जी सेवा में। करीबन सुबह 11:30 बजे का टाइम है। छोटू शैतान मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा आराम से काम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जेठानी को फोन कर दिया था, इसको 1 घंटे के लिए अपने पास ले जाओ, कम से कम मैं बाहर का बरांडा और ये बाथरूम साफ कर लूँ, क्योंकि बाथरूम की टाइल्स में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि पानी वानी से बड़ा गंदा हो जाता है। और ये मैंने सफाई शुरू कर दी है और मैंने फर्श को रगड़ना शुरू कर दिया, सर्फ वगैरह डाल दिया था तो अच्छे से रगड़ाई शुरू कर दी कि थोड़ा साफ हो जाए। बहुत टाइम लग रहा था क्योंकि काफी दिन हो गए थे कि मैंने सफाई खुद से नहीं की। जो काम वाली आती है वो तो आपको पता है फिर कैसा काम करती है, लेकिन मैंने सुबह ही, ये करीबन 12 बज चुके थे, लेकिन फर्श साफ होने को ही नहीं आ रहा था क्योंकि काफी गंदगी मची हुई थी। मैंने रगड़ रगड़ के मेरे हाथ भी दुख गए थे, तो बहुत सारा काम था। आप भी कर रहे होंगे सफाई, तो चल रही होंगी दिवाली की शॉपिंग और सफाइयां। मैंने सारे में सर्फ हार्पिक वगैरह सब डाल दिया था कि थोड़ा साफ हो जाए। इतनी देर में आ ही गई थी तो मैंने उसे कहा कि मैंने सारा सफाई कर दी है, बस आप वाइपर लगा दो और यहाँ पे पोछा लगा दो। उसने खींच खींच के वाइपर लगा दिया और उसका काम तो मैंने आधा कर ही दिया था, क्योंकि थोड़ा ज्यादा बड़ी नहीं है ना गुड़िया, तो मैं इससे ज्यादा काम भी नहीं करवाती। बाथरूम भी साफ है, वो अब सफाई में लगी हुई है, सारे साफ कर देगी। देखो पीछे गुड़िया मुझे तंग कर रही है बोलते हुए, वो कह रही कि मैगी बनाओ। यस मैगी बनाएंगे, दे दो मेरे को मैगी। तो गुड़िया ने कर दी है सारी सफाई, और अच्छे से सफाई करने के बाद ये देखो कैसे अब थोड़ा सा बरांडा साफ हुआ है और देखो थोड़ा क्लीन लग रहा है अब। और ये जो खलारा है इस पर मत जाइए, ये तो मैं सफाई करते करते थक जाऊंगी खलारे, क्योंकि गुड़िया के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी उनका फोन आ चुका था कि जल्दी से आओ इसको ले जाओ, ये रो रही है। अब मैंने कमरा वमरा सारा साफ कर दिया है, सारी सफाई की। ये शाम के 3:30-4 बजे के करीब की बात है, गुड़िया मेरी कह रही थी कि मैं ही सफाई करूंगी आज सारी। ये देखो ये लगी पड़ी है। फिर मैंने आज मन्नत को कहा कि मेरे साथ सफाई कराओ, आज की पढ़ाई शाम लेट होगी लेकिन मेरे साथ पहले सफाई कराओ। वो कह रहा था कि नहीं मुझे अभी सफाई नहीं करनी, पर मैं उसको कह रही थी आज सफाई कराओ मेरे साथ, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, या गुड़िया को होल्ड करो। ये होल्ड किया और ज्यादा तंग कर रही थी। ये देखो कैसे खड़ी हुई, अपनी सफाइयां कर रही है आराम से, जैसे यही सारी सफाई आज ही कर डालेगी। उसके बाद मेरे बड़े शैतान ने सारा फैन साफ किया अच्छे से। इसने करीबन मैं आपको बताती हूँ, इतना स्लो काम करता है तो ये करीबन इसने आधे घंटे से भी ज्यादा सिर्फ एक फैन को ही लगा दिया है। इतनी देर में मैंने सारी चारों की चारों दीवारें भी साफ कर ली थी। जितनी भी दीवारें बनी हुई है सब टाइल्स की हैं, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती। और मेरी गुड़िया ना इनमें ड्रो वगैरह, ये तो कितनी डस्ट गिर रही है ऊपर से, बेचारा आराम आराम से कर रहा था, कह रहा मम्मी डस्ट बहुत है। फिर मैंने इसको कहा कि मैं तेरे को गर्म पानी कर दूंगी नहा लेना। ये देखो मेरे को कह रहा है कि मम्मी कुछ करो, मेरी तो आइस में भी गिर रहा है ये तो। फिर उसके बाद देखो ये बैठी है छुप कर, छोटू शैतान अपने काम लिए। और ये देखो मेरी सजी हुई दीवारें ड्रो की हुई, अब इन्हें अच्छे से देखो कितना टाइम लगेगा इनको अब रगड़ने में। ये सारी मेरे छोटू शैतान के काम होते हैं, उसके हाथ में पेंसिल पेन कलर कुछ भी आ जाए उसने डिजाइन कर देना है अपना। और उसके बाद ये देखो कुछ तो क्लीन हो ही रही है ये, अब बस थोड़ा इनको रगड़ने में टाइम लग रहा है। ये अच्छा है कि ये टाइल्स हैं, फाइबर शीट नहीं है, वरना ये टूट जाती अब तक तो। थोड़ा इसी तो क्लीन हो ही चुकी हैं। उसके बाद मेरी छोटू बड़े शैतान और छोटू शैतान ने मिलकर और सफाई की। देखो किस तरह ये रगड़ रहा है बैठा हुआ, इसने आज बहुत मेहनत की है, ये बेचारा थक रहा है मेरे साथ। वो देखो पूरी गीली हो चुकी है, इसीलिए हम इसको दादी के पास दे देते हैं, सुलाते हैं। आज इसने दोपहर वाली नैप नहीं ली है, हमारे साथ लगी हुई थी और हमें बहुत तंग कर रही थी। मतलब मम्मी लुक एट हर, मन्नत एक मिनट चुप हो जाओ आप, पता है क्या। और ये देखो उसके बाद मैं काम करते करते मैंने क्या किया, सिर्फ पोछा रह गया, फटाफट हाथ धोए तो मैंने फेस पैक बनाया। वो ये है मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल, मैं यही लगाती हूँ ज्यादातर। तो मैंने कहा इतनी देर जो डस्ट जमी है वो मैं फेस पे लगा लूंगी, और इससे पता है फेस ऐसा चमक के आता है ना कि आपको क्या बताऊं, ये बहुत अच्छा काम करता है। अभी मैंने कोई ब्रश नहीं लिया, मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने फटाफट हैंड वॉश किया और मैंने फटाफट इससे
गोला, और ये देखो इसके बाद मैंने ये लगा लिया, सिर्फ मेरा पोछा लगाना रह गया था। उसके बाद मैंने लगा के मेरा फेस बिल्कुल क्लीन हो चुका था, मैंने पोछा लगा लिया। उसके बाद बच्चे ने कहा भूख लग गया, तो बड़ा शैतान पास में से ही जाके गोलगप्पे और कुछ मोमोज लाया, फिर हमने वो इंजॉय किए। भक्तो आप भी खा लो ये गोलगप्पे और ये मोमोज, हमें तो बहुत भूख लगी है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, आज का व्लॉग पसंद आया, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधा रानी आप सब पर कृपा बनाए रखें, और सबकी दिवाली अच्छी हो, सब अच्छे से सफाई करें, और लक्ष्मी माँ सबके घर आए। राधे राधे भक्तों।